हाँ जी, दोनों का पलड़ा भारी है जी। अब देखो, देवेंद्र कालदियान जीते चाहे कुलदीप शर्मा जी जीते, दोनों ऐसे ही है, सेम ही है जी। कांग्रेस ने क्या करके दिखाया? देवेंद्र कालदियान तो बेचारा अपना सही काम कर रहा है, लोगों की हित में ही है। तो यहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं फिर से कुलदीप शर्मा जी से देवेंद्र कालदियान, कौन आगे जा रहा है? तो दोनों की बराबरी टक्कर है, बराबरी टक्कर। बीजेपी बढ़िया है क्योंकि गरीब आदमी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या किया? जो विधायक रही हैं निर्मल चौधरी, कुछ काम नहीं करा मैडम, 5 सालों में कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं करा। लोगों के बीच में आई हैं? आई हैं, फिर काम तो नहीं करा ना, काम भी तो करके दिखाना था लोगों के बीच में, तो कोई भी आ जाता है। विकास हुआ कन्नौर हल्के में? नहीं, हमें तो 10 साल में तो कोई नहीं विकास दिखा। इससे पहले कांग्रेस थी तब था विकास? गन्नौर शहर में गांव के तो नहीं बता सकता, जो गांव गन्नौर शहर का जो विकास हुआ था वो ठीक ठाक हुआ था। ठीक ठाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलग हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रूही। इस वक्त मैं गन्नौर हलके के नई सब्जी मंडी में हूं। यहां मंडी में लोगों से जानूंगी कि यहां पर चुनाव को लेकर लोगों के बीच क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? दिलीप जी। दिलीप, क्या लग रहा है लोगों का रुझान किधर जा रहा है? बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है? दोनों तरफ है जी, दोनों तरफ है। काम काज की बात करें, यहाँ 10 सालों में किसने काम किए? ठीक ही चल रहा है, जो आवे वो ही ठीक है। अच्छा, पिछले 10 सालों में काम हुए यहाँ? होते रहते हैं, थोड़ा बहुत होते रहते हैं। अच्छा, क्या थोड़ा बहुत में क्या हुआ है? ये सब देख रहे हैं बस, जो कुछ है सही है, थोड़ा बहुत काम भी हुआ है। अच्छा, तो आपकी बार किसे देखना चाह रही है जनता वापस? यहाँ पे पोस्टर्स लग रहे हैं काफी जगह, फिर से कुलदीप शर्मा, दिल से देवेंद्र कालदियान। देखो, ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, अब बोलिए। हाँ जी, दोनों का पलड़ा भारी है जी। अब देखो, देवेंद्र कालदियान जीते चाहे कुलदीप शर्मा जी जीते, दोनों ऐसे ही है, सेम ही है जी। अच्छा, जो यहाँ से पिछले विधायक निर्मल चौधरी, उन्होंने काम करवाए थे? उन्होंने तो काम करवाए थे, जो तो हुआ ही था। अच्छा। अब बाकी कुलदीप शर्मा जी करवाए थे ज़्यादा काम। क्या काम करवाए दोनों का बता दीजिए। कुलदीप शर्मा जी पारक उड़क गनौड़ में बहुत उसने काम करवाया था। अच्छा। बढ़िया तरह। फिर देवेंद्र कालदियान जी है, वे बिन रहते हुए भी हर एक चीज़ का वे बढ़िया तरह करते हैं। जैसे ये हो गया, जो किराया उराया कहीं जाओ माफ़ कर रखे हैं, फ्री कर रखे हैं टेम्पो वेम्पो जाने आने का। और निर्मल चौधरी ने क्या करवाए? निर्मल चौधरी जी ने देखो क्या करवाए उसने, सारे काम है वो भी बिल्कुल जी, बिल्कुल अनगिनत काम है बिल्कुल। ये फिर एक तो 2-3 काम गिनवा दीजिए उनके, सारे काम है उनके जी। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। क्या लग रहा है लोगों का रुझान किधर है? बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस बीजेपी की तरफ है? क्या कारण है बीजेपी की तरफ है? बस यही है, जो कांग्रेस ने क्या करके दिखाया। अच्छा, क्या काम हुए 10 सालों में यहाँ? हाँ जी, क्या काम हुए 10 सालों में? ठीक, हमारे लिए तो सब कुछ ठीक हो रहा है। काम बता दीजिए। देखा जाए तो सब कुछ ठीक हो रहा है, और अब अपनी सोच होती है। तो यहाँ पे किसने काम करवाए हैं? यहाँ तो कुलदीप शर्मा ने करवाया। क्या काम करवाए अंकल? कुलदीप शर्मा ने यहाँ पार्कों का शहर बना दिया है। पार्क जितने भी अड़ंग बड़ंग जी गए पड़ी थी खराब, सबका पार्क बना दिया है। निर्मल चौधरी ने जो रोड भी कराया तो उसमें भी पानी भरा है। अच्छा, हाँ। और देवेंद्र कालदियान की बात करें तो? देवेंद्र कालदियान तो बेचारा अपना सही काम कर रहा है, हाँ, लोगों के हित में ही है। तो यहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं फिर से कुलदीप शर्मा दिल से देवेंद्र कालदियान, कौन आगे जा रहा है? तो दोनों की बराबरी टक्कर है, बराबरी टक्कर। इसी वजह से लड़ रहे मैडम जी, सिर्फ देवेंद्र कालदियान की वजह से लड़ रहे हैं। अच्छा, क्यों? देवेंद्र कालदियान बिना बने भी काम कार्य कर रहा है, तो बनने के बाद तो वहाँ पे करेगा काम। जो यहाँ से पिछले विधायक थे उन्होंने काम किए थे? किसने? निर्मल चौधरी ने। नहीं, निर्मल चौधरी ने कुछ नहीं किया, जो भी लहर बनी हुई है अभी बीजेपी की लहर सिर्फ देवेंद्र कालदियान की बनी हुई है। अगर देवेंद्र कालदियान आता है जिंदगी में नहीं करे और ना करेगी कभी भी, काम के खतरे पैदा ही नहीं हुई हुआ काम करने के लिए। तो यहाँ जनता का रुझान किस तरह है अभी? जनता का तो कुलदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा। ठीक है, महंगी तो नहीं है सब्जियाँ? सब्जी तो ये आसमान छू रही है बिल्कुल, ज़्यादा महंगी है। गरीब आदमी का तो गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। कब से महंगी है ये? लगा लो 4-5 महीने तो दाम हो गया, सब्जी महंगी हो रही है। कौन सा राज बेहतर लगा? बीजेपी की का राज बेहतर था, कांग्रेस का था? देखो, अगर देखा जाए तो फिलहाल तो देखो बीजेपी बढ़िया है क्योंकि गरीब आदमी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या किया है भाई? जैसे गरीबों को भाई, जो मोदी जी ने है भाई,
सिलेंडर दुआए हैं, राशन दे रहा है फ्री, तेल वगैरह चीनी दे रहा है, तो इसके लिए गरीबों के लिए बहुत बेनिफिट है आज की महंगाई को देखते हुए। और जो हमारे देविंदर कादजान जी हैं वो 9 साल से काम कर रहे हैं और उनको देखते हुए हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट को देख के वोट? नहीं, मोदी को देख के। अच्छा, तो देवेंद्र कादजान को नहीं देख रहे? देवेंद्र कादजान को भी देखेंगे क्योंकि 8 साल से वो काम कर रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर है तो वो तो मोदी जी है, हम मोदी जी को देख रहे हैं। ठीक है, क्या माहौल है गन्नौर में? कुलदीप शर्मा का माहौल है। किसी और का क्यों नहीं देख रहा कुलदीप शर्मा? वो ही देख रहा है, काम करवाया अगले ने 10 सालों में। क्या काम किए? बहुत काम किए हैं, आधे गन्नौर की गंदगी साफ कर दी। अच्छा, आधे की कौन करेगा? आधे की भी वही करेगा, अब की बार फिर मौका देंगे। पिछली बार जो विधायक रही है निर्मल चौधरी, कुछ काम नहीं करा मैडम 5 सालों में, कुछ भी कोई काम नहीं करा। लोगों के बीच में आई है? आई है, फिर काम तो नहीं करा ना, काम भी तो करके दिखाना था, लोगों के बीच में तो कोई भी आ जाता है। देवेंद्र कादजान भी मैदान में है? हाँ, मैदान में, देखो कैसे क्या रखता है। वो भी काम कर रहे हैं, काफी पार्टी में नहीं थे फिर भी कर रहे हैं ये काम। कोई नहीं, अच्छी बात है मैडम, आओगे तो उसने मौका मिलना चाहिए। इतना काम करा, इतना बड़कारी कर सकते हैं, देवेंद्र कादजान को वोट देंगे। देवेंद्र कादजान इतना काम कर रहा, इतना ही बनने के बाद भी नहीं कर सकते जितना कर रहा। अच्छा, बन जाएंगे तो कितना करेंगे? बन जाएंगे तो फिर तो मौजी कर देंगे, इतना काम तो बनकर नहीं कर सकते जितना ही कर दिया। क्या क्या किया? कुर्सी बैठे चौपाट में, मस्जिद में, शमशान में, मंदिर में, सब उनकी कुर्सी बैठे कादजान की। रिक्शा में लोग घूम रहे हैं, बीमार लोगों घर में गाड़ी भेज रहा, इस तो बत्ती और क्या काम करेगा। फोन करे किराया देर में आवे और वो 1 मिनट तक ला ले। निर्मल चौधरी ने किए काम? नहीं करे। कुलदीप शर्मा ने? कुलदीप शर्मा अपना बिरादरी बात करे, कोई नहीं देगा वोट उसको। क्या मामला है गन्नौर शहर में चुनाव को लेकर? देखो जी, जिसकी तरफ झुकता पलटा दिखेगा उसी तरफ जाएंगे। जिसकी तरफ पलटा लिख रहा है? कांग्रेस की तरफ लग रहा है मेरे तो। क्यों कांग्रेस की तरफ क्यों लग रहे हैं? कांग्रेस है ये चर्चा, कांग्रेस का क्या कारण है चर्चा में रहने का? आदमी काम भी उसी करते हैं ना इसकी। देखो जी, बीजेपी जब से आई है महंगाई तो कम हो रही नहीं, एक दो आम आदमी की कट टूटी पड़ी है, साग सब्जी ले लो कुछ भी ले लो कितनी महंगाई है। हाँ, जब से आई है महंगाई बहुत ज्यादा कर रखी है, कुछ भी सस्ता नहीं है। लेकिन बोलते तो हैं कि राशन फ्री दे दिया। राशन क्या फ्री दे दिया? 10 किलो में कितना दिन खा लेगा आदमी? 5 किलो देते है आदमी के साथ, 5 किलो आदमी महीने में खाता नहीं, उससे ज्यादा खा जाता है महंगाई की। देखो मैम। अच्छा, एक तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी की बात करें। बेरोजगारी तो बहुत है, काम धंधे तो है। कौन सा राज बेहतर लगा? कांग्रेस राज बेहतर था, बीजेपी का राज बेहतर लगा कामकाज को लेकर बताएं तो? कांग्रेस का ही हमें तो बढ़िया लगा जी। तो यहाँ से अभी किसको देख रहे हैं विधायक का चेहरा? अभी तो जिसको जिसकी तरफ होएगा उसी की तरफ झुक जाएंगे और क्या। अच्छा, अभी तो यहाँ देवेंद्र कादजान, कुलदीप शर्मा दोनों की बात चल रही है। देखो जी, कुलदीप शर्मा की तरफ ही दे जाएंगे हम दो। अच्छा, कांग्रेस की तरफ यहीं से है? नहीं, हम बिहार से। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 14-15 साल हो गए। क्या माहौल है अभी लोगों के बीच में? अभी कोई माहौल नहीं बना है जी, अभी देखो दोनों का टक्कर है, सेम टक्कर है दोनों का। किसका टक्कर कह रहे हैं? ये बीजेपी वाला क्या कांग्रेस का, जो कांग्रेस पहले काम किया है उसी हिसाब से तो अभी भारी कांग्रेस का है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे 10 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं? नहीं, काम किया है, दोनों काम किया है। क्या काम किए हैं? तो अच्छा, विकास हुआ है गन्नौर हल्के में? नहीं, हमें तो 10 साल में तो कोई नहीं विकास दिखा। इससे पहले कांग्रेस थी तब था विकास? गन्नौर शहर में, गांव के तो नहीं बता सकता, जो गन्नौर शहर का जो विकास हुआ था वो ठीक ठाक हुआ था। तो अभी यहाँ पे कुलदीप शर्मा भी है, देवेंद्र कादजान भी है, दोनों है, दोनों का पब्लिक का जो पकड़ है उसका दोनों का है। अच्छा, दोनों के काम काज की बात करें, दोनों में से किसने? ये नौजवान है, ये तो अभी इसको मौका नहीं मिला है, मौका मिलेगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि कौन सा कितना काम करेगा। कुलदीप शर्मा ने किए हैं काम? बिल्कुल काम किया है, और वो कई बार उनको मौका, 2 बार तो मौका मिला है, वो 10 साल रहा है यहाँ। तो आपका कादजान जी का तो अब पहले बार है, अब जनता जैसे चुने उसको। यहाँ गन्नौर सब्जी मंडी में, नई सब्जी मंडी जो है यहाँ पर, हमने लोगों से बात की कि इनके यहाँ पर शहर में क्या माहौल चल रहा है, लोगों का रुझान किधर जा रहा है, आपके क्षेत्र में रुझान किधर जा रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहिए लख हरियाणा, धन्यवाद।